और यहाँ पे सुबह सुबह टीवी चल रही है, कार्टून मैंने चला दिया क्योंकि रियांस को उठाना वो उठ ही नहीं रहा था। और यहाँ रियांस का स्कूल बैग, यूनिफॉर्म वगैरह सब चीज़ मैंने रेडी करके रखा है, वो उठेगा, ब्रश वगैरह करेगा, सावर लेगा, उसे मैं टैक्ट रेडी करूँगी। तो यहाँ पे इसका सारा सामान जो भी वो यूज करेगा अभी मैंने एक जगह कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ उसे उठाने के लिए। और ये माँ से देखिए, मुझे देखकर ना आई क्लोज कर लिया, लेकिन ये अभी उठा हुआ है और टीवी देख रहा था क्योंकि मैंने उसे उठाने के लिए टीवी ऑन कर दिया था। और इसे मैं ब्रश करूँगी, सावर वगैरह दूँगी, और देखिए यहाँ पे ये फाइनल रेडी हो चुका है, और इसका लंच बॉक्स भी रेडी हो चुका है। और आज इसे मैंने दिया है लंच बॉक्स में प्याज वाला पराठा, और छोटे वाले जो बॉक्स आते हैं इसी के अंदर जो रहते हैं उसमें मैंने कुछ फ्रूट्स दिए हैं, ग्रेप्स वगैरह, ताकि वो खा लें। और यहाँ पर ये ले जा रहा है अमूल कूल जो मिल्क वाला होता है, और पानी है, सैनिटाइज़र वगैरह है, सारी चीज़ को मैं रख रही हूँ। पैर साथ में यहीं से कर पापा को आगे नहीं देखता है। तो रियांस जा चुके हैं, उसकी फ्रेंड 8 बजे तक आ जाती है, और मिठी का बस आने का टाइम है 9:30। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था रोटी और आलू की स्टू वाली सब्जी, तो वही वो ब्रेकफास्ट कर रही है, रोटी आलू की स्टू वाली सब्जी है यहाँ पे, और साथ में टीवी देख रही है। रिलैक्स रिलैक्स से मिठी का होता है, और रियांस के टाइम में थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है क्योंकि बहुत अर्ली होता है। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा तो स्माइल करो, लेकिन वो भाव खा रही है, देखिए उसको मतलब जाना है अमन के यहाँ। तो यहाँ पे मेरा सावर वगैरह हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है, और मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं स्कूल के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने हस्बैंड ने कर लिया है, दोनों बच्चे तो स्कूल चले गए। और यहाँ पे ये बोल रहे थे मेरे हस्बैंड की एक शर्ट आयरन कर दो, पहन कर जाना है, तो यही मैं जल्दी जल्दी क्विकली कर रही हूँ आयरन। और अभी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक तो मुझे कोई काम नहीं है मेरे पास, देखती हूँ क्या करती हूँ। हो सकता है तो रियांस को जाऊँगी स्कूल लाने के लिए, जाऊँगी तो वो क्लिप आपसे जरूर शेयर करूँगी। और बस चलिए मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट अब बच्चों के आने के बाद। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी क्या कि आयरन करने का पैसा लगेगा, जितना धोबी वाला लेता है आयरन करने का उसका मैं ट्रिपल लेने वाली हूँ, तभी जो है ना मेरे हाथ में एनर्जी आएगी, अच्छे से आयरन होगा, नहीं तो आयरन नहीं होगा, आयरन भी हीट नहीं हो रहा है बस। लेकिन मेरे हस्बैंड से कुछ नहीं मिला, फोकट में आयरन हो गया। और यहाँ पे मैं धूप में बैठे बैठे जो है मटर के दाने छोड़ा रही हूँ, और ये गैस मटर के दाने इतना ज़्यादा मीठा है ना कि मत पूछे, छोड़ाते छोड़ाते मैंने बहुत सारा दाना ऐसे ही खा लिया। और अभी जब तक मटर के मतलब ये सीजन चल रहा है ना मेरे यहाँ, तो रोज़ ही ये आने वाला है, तो यहाँ पर ये ड्यूटी मिला हुआ है मुझे छीलने का दोपहर के टाइम में खाली बैठे बैठे। बन रही है चावल, इसमें बन रही है दाल और सब्जी, मैंने फूलगोभी आलू मटर की सब्जी ब्रेकफास्ट टाइम में ही बना लिया था। और यहाँ पे गुआवा मैंने कट किया है अपने लिए, खाने के लिए जा रही हूँ, धूप में बैठ कर खाऊँगी। तो बस यहाँ पे लंच रेडी हो रहा है क्योंकि बच्चों का आने का समय हो रहा है। और यहाँ पे दोनों बच्चे आ चुके हैं, रियांस को मैंने पहले ही खिला दिया था क्योंकि वो पहले आता है, और इसके बाद मीठी आई तो यहाँ पे लंच कर रही है। और अमन भी आ गया यहाँ पर खेलने के लिए, अमन लंच जल्दी कर लिया तो वो आ गया खेलने के लिए, बोल रहा था कि चलो बैडमिंटन खेलने के लिए, वही बोल रहा है कि जल्दी खाओ जल्दी खाओ, ये जल्दी खा ही नहीं रही है देखिए इन दोनों का बदमाशी। मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट अब शाम के टाइम में, और यहाँ बन रही है शाम की चाय अदरक वाली। और मेरे यहाँ एक लेबर लगा हुआ है, मतलब पीछे बाड़ी में ना सफाई हो रहा है, तो उनके लिए भी है, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, और मेरी हेल्पर है साथ में। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। हाय गाइस, तो मैं मतलब सो रहा है शाम के टाइम में, और अभी देख सकते हैं 5:15 हो रहे थे, रियांस अभी भी सो रहा है। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा खेला था, स्कूल में गेमिंग वगैरह हुआ था तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, ऐसे लेट से वो सोया थी 3:30 के आसपास सोया था, वो 1.5-2 घंटा वो आराम से सोता है। मैं 5 मिनट वेट करती हूँ, और वो खुद से उठ जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं 5 मिनट के बाद उठाऊँगी, उसे फ्रेश वगैरह करूँगी और दूध दूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ स्नैक का प्रिपरेशन करने, और स्नैक में मैं क्या स्पेशल बना रही हूँ उसका फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। और अन्नी आई भी है, तो अन्नी और मीठी दोनों से मैंने पूछा है कि उन लोगों को क्या खाना है, मोमोज खाना है या फिर जो मैं बना रही हूँ, तो
उन लोग से पूछ के, उन लोगों का पूछ के मैं बना रही हूँ। उन लोगों को क्या खाने का मन था तो मैं जा रही हूँ उसका प्रिपरेशन करके रख देती हूँ तुरंत 5-10 मिनट में, और फिर मैं यहाँ फूड खाऊंगी। तो जो मैं स्नैक में बना रही हूँ उसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। ओके चलिए मिलते आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पे अन्नी और मीठी का बन रहा है रील्स। ये लोग जब भी मिलते हैं तो सबसे पहले रील्स ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। अन्नी मुझे देखकर भाग रही थी तो मैंने बोला लाओ मैं मोबाइल पकड़ती हूँ, तुम रील्स बनाओ। तो यहाँ पे ये दोनों रील्स बना रही है। तो क्या कर रही है तुम दोनों की? क्लिप दिखा रही है हेयर में चला रही। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ प्रिपरेशन हो चुका है। शायद बहुत कोई को भनक लग चुकी होगी क्या बन रहा है, लेकिन फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस आज के स्नैक में बना था टेस्टी पाव भाजी। एंड गाइस पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, रियली अन्नी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मीठी का भी ट्यूशन चल रहा है तो मैंने तब तक अन्नी को दे दिया क्योंकि इसे भूख लगी थी, और मेरे हस्बैंड भी बगल में खा रहे हैं और रेयांश को उतना पसंद नहीं है क्योंकि पाव भाजी की भाजी में थोड़ा तीखा बन जाता है, और पता नहीं वो सिर्फ ब्रेड खाता है भाजी नहीं खाता है। और यहाँ पे स्नैक को जाने के बाद अमन की बहन का बर्थडे पार्टी था, सिर्फ बच्चों के बीच में था, तो यहाँ पे अन्नी मीठी और राम सब साथ में जा रहे हैं बर्थडे में, छोटा सा पार्टी है बस। सो गाइस आज के डिनर में बन रही है ये खीर, और इसमें मैंने तो हल्का बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह डाला है बस। और यहाँ पे मैंने बनाया है शाही पनीर, और जब हम लोग डिनर करेंगे तो इसे मैं फिर से गर्म करूँगी और तब इसके ऊपर मैं क्रीम ऐड करूँगी। तो आज का हम लोग का टेस्टी डिनर रेडी है, रोटी शाही पनीर और साथ में खीर। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड पहले मैं मेरे चैनल को विजिट करो, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।